मान लो कि कोई 5 किलो का पत्थर उठा लिया, हम 100 ग्राम का पत्थर उठा लिए, कोई 5 किलो का उठा लिया, कोई 100 ग्राम का उठा लिया, तो 5 किलो वाला फेंकेगा तो यही जाना जाएगा और 100 ग्राम वाला फेंकेगा तो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है गति, जितना ज्यादा द्रव्यमान अधिक होगा उतना ज्यादा उसका वेग कम होगा और जितना द्रव्यमान कम होगा उतना ज्यादा उसका वेग होता है। चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, मतलब जो न्यूटन के गति का नियम था वो क्या दिए थे, इस पर हम लोग पूरा जोर डालेंगे और सारी बातें बेसिक से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, न्यूटन ने गति का नियम जो दिया था वो 3 नियम दिए थे। न्यूटन के गति के नियम कितने थे? 3 थे, जिसमें पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था चाहे गति की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं कर सकती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मान लो कि ये वस्तु क्या है, एकदम ज्यों का, तो मान लो कि कोई वस्तु है ज्यों का तो विराम अवस्था में, तो ये तब तक हिलेगा डोलेगा नहीं जब तक यहाँ पर हम लोग बल नहीं लगा लेंगे, ठीक है ना। मान लो एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये आपका मेज है, ठीक है ना, मेज पर एक किताब रखल है, तो ये किताब अपनी विराम की अवस्था तब तक बनाए रखेगा जब तक यहाँ पर कोनो क्या करेंगे, बाहर से बल नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन साहब ने पहला नियम यही दिया था कि पहला नियम ये दिया कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था चाहे गति की अवस्था, विराम की अवस्था चाहे गति की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे आपको भी कल गेंद क्या करेगा, फेंक कर देखेगा। अब गेंद फेंक देते हैं तो गति की अवस्था में होता है, और गति की अवस्था से विराम की अवस्था में तभी आता है जब धरती क्या करता है, अपना घर्षण बल लगाना शुरू कर देता है। क्या होता है, मान लो कि घर्षण कर रहा है, गेंद रगड़ते जा रहा है धरती को, तो आप घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था दो ही अवस्था में परिवर्तन करेगी, पहला कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका विराम की अवस्था और दूसरा हो जाएगा गति की अवस्था। तो विराम की अवस्था चाहे गति की अवस्था में परिवर्तन तब होगा, कब, जब उस पर बाहरी बल लगेगा तब। ये कौन कहते हैं, न्यूटन साहब कहते हैं। तो न्यूटन साहब के पहला गति के नियम क्या है, तो पहला गति के नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को, अपने मतलब विराम की स्थिति को चाहे अपने गति की स्थिति में तभी परिवर्तन कर सकती है जब इस पर क्या होगा, बाह्य बल लगेगा। जैसे मान लो कि रोड में एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा है, रोड में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है विराम की स्थिति में, तो वो पत्थर कब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जब हम लोग बाहरी बल लगाएंगे उसको उठाकर कहीं और रखेंगे। तो विराम की स्थिति हो चाहे गति की स्थिति हो, उसमें परिवर्तन तभी होगा जब हम लोग उस पर क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं। तो सिंपल सा भाषा में लिखने का काम करिएगा कि कोई भी वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इस न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि गैलीलियो का नियम भी यही था कि उसी से टच करता था। इसको जड़त्व का भी नाम से हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नाम से। देखो वो जड़त्व होता क्या है, जो तो क्या है कि विराम की स्थिति हो चाहे गति की स्थिति हो, दोनों का विरोध करने का काम करता है। मान लो कोई गेंदा गति की स्थिति में तो उसका विरोध करेगा, कहे कि रुक जा, और जो विराम की स्थिति में है उसका भी विरोध करेगा, कहेगा कि तू गति में चलो। तो इसका काम होता है किसका, जड़त्व का। तो न्यूटन साहब के प्रथम गति के नियम से जड़त्व का भी डिफिनेशन निकला था। तो न्यूटन साहब का जो प्रथम गति का नियम था उसको गैलीलियो का भी नियम कहा गया। तो समझिएगा ध्यान से, तो जड़त्व का मतलब क्या हो गया, जड़त्व का मतलब हुआ ये हो गया कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में तो उसका विरोध करने का काम कर रही, तो वो क्या कहलाएगा, जड़त्व। कहने का मतलब है कि कोई विराम में चाहे गति में तो उसको क्या करेगा, उसको मतलब उसका विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब आप बैठा है तो कहेगा ये काम करो, आप काम कर रहे हैं तो कहेगा कि बैठो। ये दोनों काम किसका होता है, ये होता है जड़त्व का। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है विराम का जड़त्व होता है, दूसरा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व कहता है कि हमेशा विराम की स्थिति में रहो, और गति का जड़त्व कहता है कि हमेशा तुम गति की स्थिति में रहो। ये बैठने का नाम नहीं लेता, उल्टा काम करेगा एकदम पूरा। तो जड़त्व का मतलब समझ गया, जो विराम और गति की अवस्था का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व किसे कहेंगे, जो हमेशा विराम की स्थिति में रहता है, यानी विराम का जड़त्व कहता है कि तुम हमेशा विराम रहो, आराम से बैठल रहो, और गति का जड़त्व कहता है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम धाम करते रहो, ठीक है ना। जैसे मान लो गेंदा है, ठीक है ना, आ गेंडा को आप क्या किए, फेंक दिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप कभी कल पढ़े होंगे कि क्या होता है, कि होता क्या है कि कंबल को ले लीजिए, उसमें धूल कण रहते हैं, उसको जब डंडे से मारते हैं ना कंबल पर, तो देखिए उसका धूल कण बाहर निकल जाता है। कभी सोचे हैं क्यों, इसका रीजन क्या होता है, यही होता है जड़त्व, यही होता है। होता है क्या कि जैसे ही आप कंबल पर क्या करेंगे, डंडे से क्या करेंगे, प्रहार करते हैं, डंडे चलाते हैं उस पर, तो डंडा चलाने से कंबल तो आपका गतिशील हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो धूल कण रहता है वो तो कहते हैं कि हम विराम में रहेंगे, हमको
कौन सा गति करना है। तो जैसे ही कंबल को मारता है, कंबल गतिशील होकर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, लेकिन उसका धूल कण वही पर ज्यों का त्यों रह जाता है, जिसके कारण से बाहर निकल जाते हैं। यह रीजन होता है, ठीक है ना। तो जड़त्व भी अपने आप में एक बहुत भूमिका अदा करता है। तो जो इनका न्यूटन साहब का पहला गति नियम था वो क्या कहते थे, न्यूटन साहब पहला गति नियम में ये कहते थे कि कोई भी वस्तु अपने विराम चाहे गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा। मान लो कि आपके पास ये टेबल है, टेबल पर तीन को पेन ज्यों का त्यों रखा है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तभी जाएगा जब इसको उठा कर लेंगे। उठाने का मतलब बल लगा रहे। तो कोई भी वस्तु अपने विराम की स्थिति हो चाहे गति की स्थिति हो, मान लो कि गेंदा कोई फेंका है हम लोगों की ओर, पूरा गति में आ रहा है, क्या कर रहा वो पूरा गति में आ रहा है, तो भाई उसको रोकेंगे तो बल ना लगा रहे, तो वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन तब करेगा जब क्या करेंगे, बाह्य बल हम लोग लगाएंगे। तो बाहर से बल लगेगा तब जाकर विराम की स्थिति में चाहे गति की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो विराम की स्थिति में, गति की स्थिति में तभी परिवर्तन होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगता है। ऐसा न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम था, समझ में आ गया। इसी से इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे किसका डिफिनेशन निकल जाता है, जड़त्व का। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, चाहे जड़त्व किसे कहते हैं, तो जो विराम या गति की स्थिति का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब क्या होता है, वो विराम में ही रहने के लिए बोलता है, और गति का जड़त्व का मतलब होता है वो हमेशा गति में रहने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब चलते हैं न्यूटन साहब का दूसरा गति नियम चलते हैं। देखिए ध्यान से, न्यूटन साहब का दूसरा गति नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन का दर। अब सोचिए संवेग में परिवर्तन का दर क्या हो गया। देखो संवेग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखो संवेग का कोई भी वस्तु होता है तो उसमें वेग होता है और क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मान लो कि मेरा जो मास है वो 60 केजी का, मतलब मेरा जो द्रव्यमान है वो 60 केजी का है, और मैं क्या करता हूँ 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता हूँ। किससे चलता हूँ, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने का काम करता हूँ। तो हाई जोन 60 केजी मेरा मास हो गया, हाई जोन 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये क्या होगा, मेरा वेग हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो कहने का मतलब है, जो वजन है, मान लो कि आज मेरा वजन 60 केजी है, तो ऐसा नहीं कि कल मेरा 50 केजी या 70 केजी हो जाएगा, सिर्फ बढ़ने का काम करेगा आपका वेग। आज यदि आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़, 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो कल हो सकता है 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे, हो सकता है परसों 40 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आप दौड़ने का काम करेंगे। तो आपका चेंज क्या होता है, सिर्फ ये वेग चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है, मास ज्यों का त्यों आपका रहेगा। तो यही बात आ रही है कि द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल कर देंगे ना, क्या क्या करेंगे, मास को मतलब द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं और वेग को v से सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को p से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, पी से। तो संवेग का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है और प्रत्येक वस्तु का अपना वेग होता है। मान लो मेरे पास कोई गेंदा है, क्या गेंदा है, और गेंदा को मैं फेंक रहा हूँ, तो वेग हो गया उसका, गति हो गया, और उसके बाद वेग हो गया उसका, तो उसका कुछ ना कुछ मास है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलिए, एक ले लेते हैं क्रिकेट खेलने वाला गेंदा, एक फुटबॉल खेलने वाला गेंदा। फुटबॉल खेलने वाला बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अब दोनों को एक साथ आप फेंकेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन करेगा, तो ये गेंदा, क्रिकेट वाला गेंदा आपका ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा, फुटबॉल वाला। क्यों, क्योंकि क्रिकेट का गेंदा का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है और फुटबॉल के गेंदा का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो कम वेग से चलता है, इस बात को याद रखिएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो बड़ी कम चाल से चलता है, लेकिन जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो ज़्यादा दूरी तय करता है, ज़्यादा वेग से चलने का काम करता है। मान लो कि कोई 5 किलो का पत्थर उठा लिया, हम 100 ग्राम का पत्थर उठा लिए, कोई 5 किलो का उठा लिया, कोई 100 ग्राम का उठा लिया, तो 5 किलो वाला फेंकेगा तो यही जाना जाएगा, और 100 ग्राम वाला फेंकेगा तो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है गति, जितना ज़्यादा द्रव्यमान अधिक होगा उतना ज़्यादा उसका वेग कम होगा, और जितना द्रव्यमान कम होगा उतना ज्यादा उसका वेग होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना द्रव्यमान होता है और उसका वेग होता है, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का, आपका भी है, मेरा भी है, कोई भी, ये मार्कर है तो मार्कर में भी गति है, फेंक देंगे गति हो जाएगी, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसका वेग और इसका द्रव्यमान दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका क्या बन जाता है, संवेग बन जाता है। अब देखिए न्यूटन साहब ने न्यूटन के दूसरे गति नियम में क्या बोले थे, ये कहते हैं न्यूटन साहब, ये कहते हैं कि संवेग परिवर्तन का दर,
मतलब संवेग में जब परिवर्तन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, ये कौन बोले थे, न्यूटन साहब। अब ध्यान दीजिए, संवेग में जो परिवर्तन का दर है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोले थे बल के समानुपाती हो जाता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, तो संवेग में परिवर्तन का दर बोला गया है, बोले कि बल के समानुपाती होता है। और यहाँ से बल का डिफिनेशन भी निकलता है, बल का फॉर्मूला निकलता है, सब निकल जाता है। देखो संवेग में परिवर्तन करना है तो संवेग का सूत्र होता है एम वी। सिंपल से एग्जांपल में एकदम समझिएगा आप, संवेग में परिवर्तन की दर आपको करना है तो मान लो कि अभी यहाँ पर एम वी है, इसमें परिवर्तन करना है तो मान लो कि टी समय में वो क्या करता है, परिवर्तन करता है, तब यहाँ पर क्या बन गया आपका, एम बल बन रहा है। फोकस करिएगा ध्यान से, तो एम भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम और भी बटे टी मतलब वेग बटा वेग में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ओनली वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं, और त्वरण को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, यानी एफ बराबर आ गया एम ए आ गया। इसलिए आपका एफ का सूत्र यहाँ से निकल गया है एम ए, क्या निकल गया एम ए। तो यही सूत्र उन्होंने दिया था, न्यूटन साहब ने अपने दूसरे गति नियम में ये दिए थे कि जो संवेग परिवर्तन का दर होता है वो बल के समानुपाती चाहे बल के बराबर होता है, यहाँ से बल का डिफरेंशियल निकलता है। थोड़ा सा समझना टॉप पर था, लेकिन ये कितना सिंपल से मैं आपको बता दिया। पहला गति नियम वो बोलते थे, पहला गति नियम ये था कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन तब कर सकती है जब उस पर बाहरी बल लगेगा। वो विराम में हो चाहे गति में, वो अपनी अवस्था में तब परिवर्तन करेगी जब उस पर बाहरी बल लगेगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये किताब रखल है यहाँ पर, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तभी जाएगा, ये विराम की स्थिति तभी छोड़ेगा जब इसको इस पर बल लगाएंगे। अब 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक बॉल को फेंक दिया गया, तो अपनी गति की अवस्था तभी विराम में चेंज करेगी जब उस पर बाहरी कोई घर्षण बल लगेगा चाहे कोई बाह्य बल लगेगा। तो ऐसा कौन सा नियम था, न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम था। और दूसरा गति नियम क्या दिए थे, दूसरा गति नियम ये दिए थे कि संवेग में परिवर्तन होगा तो बल निकल जाएगा। अब देखिए, तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग का सूत्र हो गया एम बी हो गया, तो इसमें परिवर्तन थोड़ा सा आपको कर देना। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेग में जब परिवर्तन होगा तो त्वरण बन जाएगा, त्वरण को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, पढ़ चुके हैं ना। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहेंगे। तो यहाँ पर बोल चुके हैं संवेग में परिवर्तन की दर, आ दर का मतलब बट्टा में क्या लेकर चलना है, समय लेकर चलना है। तो संवेग का एम बी हो गया, इसमें परिवर्तन कर दिए मतलब किससे भाग कर दे, टी से, तो क्या बन जाएगा, बल हो जाएगा। क्योंकि बोल रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है ना बल के समानुपाती होता है, तो बल के बराबर हम लोग यहाँ पर लेकर चल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम जो कहते हैं छोड़ दिया, वी बटे टी का मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ए लिख दिए, यानी एफ बराबर आपका आगे एम ए, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया एफ बराबर एम ए। तो यही सूत्र निकलता है किसका, यहाँ से न्यूटन साहब के दूसरे गति नियम से एफ बराबर एम ए, ये बल का सूत्र निकलता है। यानी देखी जाए तो बल का डिफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं बल कहते हैं। अब देखो यहां से बल का ऐसे मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है और त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बता दिए न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन से बता दिए कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, केजी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर बोले कि इतना तो ढेर बड़ा हो जा रहा है, तो इसको एकदम शॉर्ट में बोल दिए कि सिर्फ एन होगा। एन का मतलब क्या होगा, न्यूटन, यानी एक न्यूटन का मान इतना बराबर हो जाएगा। यानी बल का जो एसआई मात्रक हम लोग अब लेकर चलते हैं वो सिर्फ चलता है न्यूटन। क्यों चलता है न्यूटन, क्योंकि यहां से वो बल का फॉर्मूला निकाल दिए थे। अब बल का फॉर्मूला निकालने के बाद देख रहे हैं कि भाई इसका तो एसआई मात्रक बहुत ज्यादा आ जा रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जा रहा है, तो बोले कि इसका क्यों ना छोटा रूप दे दिया, अपने नाम पर एन डाल दिए, इसको न्यूटन कहते हैं। यानी बल का जो एसआई मात्रक यहां से निकल गया वो क्या निकला था, न्यूटन निकला था। दिमाग में घुस रही है ना, ध्यान से समझिएगा बुआ। तो समझ में आ रही है, दूसरा नियम क्या था इनका गति का, दूसरा ये था कि संवेग में परिवर्तन करेंगे तो बल का मान निकल जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन एम भी था संवेग, अब इसमें परिवर्तन करने के मतलब समय में परिवर्तन कर दिए, तो यहाँ पर एम को जो कहते हैं छोड़ दिया, वी बटा टी यानी त्वरण बन जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप पहले भी जानते हैं, वी बटा टी का मतलब ए निकल गया, बराबर एफ आ गया। तो एफ का सूत्र बन गया एम ए, क्या बन गया एम ए, क्या बन गया एम ए। तो यहां से उन्होंने क्या किया, इसका ऐसे मात्रक निकाल दिया। और बल का डिफिनेशन भी आप यहां से देख सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बल का डिफिनेशन आप यहां से दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का ऐसे मात्रक क्या निकाला गया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन उन्होंने न्यूटन साहब ने इसको शॉर्ट बनाने के लिए अपने ही नाम पर दे दिया एन, यानी बल का ऐसे मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला गति नियम आप समझ गए, पहला गति नियम इनका क्या था, न्यूटन साहब का पहला गति नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल
कार्य नहीं करता है। और दूसरा क्या, संवेग में परिवर्तन का दर बराबर क्या निकल जाएगा, बल। न्यूटन साहब कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु अपने संवेग में परिवर्तन करती है तो बल के समानुपाती होती है, चाहे बल के बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल, तो संवेग हम निकाल चुके हैं। संवेग तो भी बताया था कि किसी भी वस्तु का अपना द्रव्यमान और वेग होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन करने के लिए टी से भाग लगा दिए तो परिवर्तन हो गया, यहां से निकल गया एफ बराबर एम ए, यहां से सूत्र निकल गया इसका न्यूटन निकल गया, बल का सीमात्रक निकल गया न्यूटन। तो ये बातें समझ में आ गई। ये न्यूटन साहब का कौन सा गति नियम था, दूसरा नियम। तो अब जैसे तीसरा पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, न्यूटन साहब के तीसरे गति नियम क्या थे। देखो न्यूटन साहब का तीसरा जो गति नियम था एकदम सिंपल सा नियम का था, ये था एक्शन रिएक्शन पर। किस पर था, एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। न्यूटन साहब का जो तीसरा गति नियम है वो किस पर काम करता है, तो एक्शन रिएक्शन पर काम करता है। मतलब एक्शन देंगे तो रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब है कि मान लो कोई दीवार है और दीवार पर आप बल लगाते हैं, तो दीवार पर बल लगाएंगे तो आप जितना बल लगाते हो उतना बल वो लगाता है। जैसे मान लो कि किसी के गाल पर आप एक चमेटा मारते हैं, तो एक चमेटा जितना बल से आप उसको मारे ना उतना बल वो भी लगाता है, तो उतना चोट आपको भी लगता है। दरअसल होता क्या है कि जो गाल होता है वो मुलायम होता है, इस मुलायम वस्तु पर जब आप मारेंगे ना तो उसको ज़्यादा चोट का आभास होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कम चोट का आभास होता है। लेकिन एक्शन रिएक्शन दोनों जगह होता है। एक्शन करने का मतलब क्या है, आप जितना बल लगाए उतना बल वो भी लगाता है। न्यूटन साहब यही कहते हैं कि आप जितना बल लगाएंगे प्रत्येक वस्तु पर, आप जितना बल लगाएंगे उतना बल वो भी लगाता है। ये न्यूटन साहब का तीसरा गति नियम था, एकदम सिंपल था। वो कहते हैं कि आप जितना बल लगाते उतना बल वो भी लगाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, कोई एग्जांपल हम लेकर चलते, कोई गेंद हो गया आपके पास, अब गेंद आप जितना वेग से लगाकर फेंकते हैं ना, जितना आप तेज वेग जितना मतलब आप तेज वेग लगाएंगे ना, जितना आप चाल से गेंद को फेंकेंगे ना, उतना अगर तेज बल्ला चल गया तो गेंदा बहुत दूर भागता है, और जितना स्लो आप गेंद फेंकेंगे ना, उतना अगर बल्ला वो बहुत जोर से भी भाजता है ना, तो इसका मतलब है गेंद आपका बहुत दूर नहीं जाएगा। यहाँ कहने का मतलब कि एक्शन रिएक्शन, एक्शन करेंगे तो ही जाकर क्या होगा, रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, लेकिन विपरीत बल लगाती है। मान लो कि मैं किसी वस्तु पर धक्का दे रहा हूँ तो वो भी हमको धक्का दे रहा है, बस अर्थात दोनों का क्या है, डायरेक्शन चेंज है। आप समझिएगा, ये मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये भी कोई वस्तु है, या हटाइए, मान लो कि ये वाला कोई इंसान है, ठीक है ना, और इसका ये हाथ, ये क्या करता है, बल लगाता है इस पर। तो ये जितना मतलब वेग से बल लगा रहा है, जितना भी बल लगा रहा है उतना बल ये भी लगाता है, बशर्ते इसका दिशा एने है और इसका दिशा एने है। दोनों का दिशा के अलग, बल तो दोनों लगा रहा है, लेकिन बशर्ते वहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या होता, अलग अलग होता है। तो ये न्यूटन साहब का तीसरा गति नियम था, क्या था, एक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी आप जितना बल लगाएंगे उतना बल वो भी लगाएगा, बशर्ते दिशा क्या होता, अलग होता है। बोलने किसी को आप एक चिमेटा मारिएगा तो उस पर उसको जितना चोट लगता है आपको भी लगता है, बशर्ते डायरेक्शन अलग है, आप इधर से मारे उसका बल उधर से लगल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन साहब का तीसरा गति नियम। फिर से एक बार समझिए, न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम क्या था। तो न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम यह था कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था तब तक बनाए रख सकती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं रहेगा। और दूसरा यह था कि संवेग में जब परिवर्तन करेंगे तो बल का मान निकल जाएगा, जैसे कि आपको समझाया गया था। तीसरा क्या, तीसरा है एक्शन रिएक्शन। क्या है, एक्शन रिएक्शन। अब देखो एक्शन रिएक्शन का मतलब आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हो भी उतना ही बल लगाता है, बस अर्थ दोनों का दिशा अलग रहता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि किसी भी वस्तु पर, पहला गति नियम देखी जाए तो किसी भी वस्तु पर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो विराम की अवस्था और गति की अवस्था को बनाए रखता है, इससे बल का डिफिनेशन भी निकलता है, इसको जड़त्व भी कह सकते हैं, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और दूसरा मान लो कि संवेग में परिवर्तन की दर, दूसरा कहते हैं कि जब संवेग में परिवर्तन होगा तो वहां पर बल का निर्माण होगा। जैसे कि एग्जांपल सीधा से लेकर चलो, मान लो कि यहां पर ये कोई लड़का खड़ा है, ठीक है ना, और ये जब लड़का खड़ा है यहां पर कोई मोटरसाइकिल वाला आकर इसको क्या करता है, धक्का मार दिया, ठीक है ना। ये मोटरसाइकिल वाला आया इसको क्या क्या धक्का मार दिया। और वही सोचो, ये मोटरसाइकिल वाला धक्का आया मारा, और ये कोई ट्रक वाला है, ये क्या ट्रक वाला है। अब सोचो ये कोई ट्रक वाला है, ये धक्का मारता है, मोटरसाइकिल धक्का मारता है, तो मोटरसाइकिल धक्का मारेगा तो इसका मतलब इसको कम क्षति पहुंचेगा, लेकिन जहां ट्रक वाला धक्का मारेगा ना इसका काम खत्म कर देगा। तो यहां पर मोटरसाइकिल का द्रव्यमान भी कम है, वेग भी कम होगा, लेकिन ट्रक जो है इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है और इसका वेग भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि यहां पर वेग में परिवर्तन, मोटरसाइकिल से मारा गया तो वेग कम था और ट्रक से मारा गया तो वेग अधिक था, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो बहुत क्षति पहुंचा देगा, बहुत ज्यादा बल का निर्माण होता है। जहां वेग में परिवर्तन
परिवर्तनों का, संवेग में परिवर्तनों का, वहां बल का निर्माण हो ही जाता है। न्यूटन साहब का दूसरा नियम है। तो कम वस्तु के द्रव्यमान से आपको लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु से, ज्यादा वेग वाली वस्तु से आपको लगेगा धक्का तो आप मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बल का निर्माण होता है। ऐसा कौन कहता है? न्यूटन साहब कहते हैं। तो न्यूटन साहब का दूसरा गति नियम था कि संवेग में परिवर्तन करेंगे तो बल के समानुपाती हो जाता है, यानी बल का निर्माण होता है। यहाँ से न्यूटन का फॉर्मूला भी, मतलब बल का ऐसे मात्रक भी निकल जाता है। और तीसरा गति नियम था एक्शन रिएक्शन, कहने का मतलब जितना आप एक्शन करेंगे उतना वो रिएक्शन करेगा। मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आंसर इसको कहल जा सकता है। आप जैसा क्वेश्चन करेंगे ऐसा वो क्या करेगा, जवाब देगा। यानी आप जितना जोर से बल लगाते हो उतना जोर से वो क्या करता है, ये भी बल लगाता है। मान लो कि कोई, ये आपका कोई मार्कर, इसको ऊपर फेंक दिए, ऊपर फेंकने के बाद मैं इसको जितना बल लगाना चाह रोकने के लिए उतना बल ये भी लगाया रोकने के लिए। जैसे देखिए कोई, मान लीजिए कि जैसे होता ना कि कोई जो बल्लेबाज होता है लेके मारता है खींच के छक्का। अब जब छक्का मारता है वो, जब क्या करता है वो छक्का मारता है, तो मारने के बाद कोई कैच करने वाला जो बल्लेबाज रहता है, जो कैच करने वाला खिलाड़ी रहता है, वो देखिए डायरेक्ट कैच नहीं करता है। वो क्या करेगा कि वो जितना बल लगाएगा कैच करने के लिए ना, वो क्या करेगा, जितना बल लगाएगा उसको कैच करने के लिए उतना गेंदों बल लगाता है। अगर डायरेक्ट वो गेंदा पकड़ लेता है तो उसको हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगेगा। अगर वही गेंदा वो हाथ को थोड़ा पीछे करके करेगा ना, तो वहां पर वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से फोर्स उसका त्वरण बहुत कम हो जाता है। तो जब भी गेंदा पकड़ना हो ना, तो डायरेक्ट आपको नहीं पकड़ना, उसको हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच कर पकड़ना है। तो इससे क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होता है, त्वरण शून्य हो जाता है, जिसके कारण से कम बल लगाता है। डायरेक्ट आप डालेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्शन रिएक्शन, आप जितना बल लगाएंगे किसी वस्तु पर वो भी बल लगाएगा, बस शर्त दोनों का दिशा क्या रहेगा, अलग रहेगा। यानी बल लगाने का दिशा अलग रहेगा। दीवार पर आप बल लगा रहे हैं तो भी बल लगा रहा है, बस शर्त आप इधर से लगा रहे हैं तो उधर से लगा रहे हैं। दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन साहब का तीसरा गति नियम, कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, बस शर्त दोनों का दिशा अलग रहता है। तो न्यूटन साहब के तीन गति नियम हो गए। तो आई होप ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।